का कि हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं रिलायंस एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों और अन्य विद्यार्थियों के बीच शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो का उपयुक्त लाभ ले सके। चलिए, हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की अध्याय 12 में हम अब तक इसके एक्ट सेक्शन नंबर 163 तक देख चुके थे। आज हमारा है सेक्शन 164 जो न्यायगमन या डिवोल्यूशन से संबंधित है। न्यायगमन या डिवोल्यूशन ये क्या है, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, परिभाषा पढ़ देता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगी। भूमि स्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वी विधि के अधीन रहते हुए यथा स्थिति विरासत उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा संक्रांत होगा। मतलब कोई भूमि स्वामी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस भूमि पर जो हित पैदा होगा वो उसके वसीयत या संक्रांत या उत्तरजीविता द्वारा स्वतः ही नए भूमि स्वामी पर निहित हो जाएगा। सीधा सा आशय है कि भूमि स्वामी की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार के अधिनियम द्वारा या वसीयत स्वरूप उस भूमि का नया भूमि स्वामी पैदा हो जाएगा, ठीक है, जो संभवतः उसी वंश का होगा या वो अगर वो विक्रय कर दिया जाता है तो अगले वंश का जो भी नया होगा, जो भी खरीदार होगा उसका होगा। परंतु यहाँ पे भूमि स्वामी न्यायगमन का सिद्धांत केवल इतना कहता है कि भूमि स्वामी का हित केवल और केवल विरासत उत्तरजीविता या वसीयत द्वारा ही संक्रांत होगा। चलिए, अब इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है 165 जो अंतरण के अधिकार या राइट्स ऑफ ट्रांसफर को बताती है। अंतरण का अधिकार मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ ट्रांसफर ये क्या है, चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। ये बोलता है इसकी उपधारा एक होती है कि इस धारा के अन्य उपबंधों के तथा धारा 168 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूमि स्वामी अपनी भूमि का में का कोई भी हित अंतरित कर सकेगा। तो पहले बता दूं इसमें यूज हुआ है धारा 168। ये जो धारा 168 है ये पट्टे से संबंधित है, पट्टा, किसी भूमि को पट्टे पर देना। तो उसके अधीन रहते भूमि स्वामी अपनी भूमि का कोई भी हित अंतरित कर सकेगा। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि का हित दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, यही धारा 165 आपको बताती है। तो वो ट्रांसफर किस तरीके का होगा वही हम आगे इसमें देखेंगे। देखिए इसकी उपधारा 2 धारा 1 के तहत ट्रांसफर को बताती है। धारा 1 में याद रखिए पट्टा भी अंतर्निहित है। तो 1 में क्या बताती है कि का कि भूमि स्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बंधक मीन्स मॉर्गेज इसके पश्चात तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कम से कम 5 एकड़ सिंचित भूमि या 10 एकड़ असिंचित भूमि उसके पास भार से मुक्त ना हो। मतलब कोई भूमि स्वामी अपनी भूमि का हित किसी अन्य को तभी अंतरित कर सकता है बंधक के रूप में जबकि उसके पास कम से कम 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि भार मुक्त ना हो। मतलब उसके पास ऐसी भार मुक्त भूमि ना हो, अगर भार से युक्त भूमि है तो वह अपना हित भूमि का हित किसी और को अंतरित नहीं कर सकता, ऐसा इसकी उपधारा 2 का सबसेक्शन का कहता है। वहीं इसका सबसेक्शन खा कहता है, सबसेक्शन खा कि ऐसा अंतरण अधिकतम 6 वर्ष के लिए ही किया जा सकता है, 6 वर्ष से अधिक का अंतरण विधिमान्य नहीं होगा और 6 वर्ष के पश्चात वह स्वतः ही भूमि स्वामी की हो जाएगी जिसने उसका हित अंतरित किया था। वहीं इसका सबसेक्शन का कहता है, सबसेक्शन का यदि 6 वर्ष की कालावधि पूरी होने के बाद भी बंधक लेने वाले व्यक्ति ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा है तो बंधकदार तहसील के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किए जाने का दायी होगा। जिसने बंधक के रूप में भूमि स्वामी से भूमि ग्रहण की थी अगर वो अपना कब्जा नहीं छोड़ता है तो तहसीलदार ऐसी भूमि को उससे मुक्त कराने के लिए, उसे बेदखल करने के लिए अधिकृत है और तहसीलदार द्वारा बंधककर्ता को भूमि का कब्जा दिलाया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं इसका कुछ खास बात जो कि इसमें अलग से मेंशन करके रखी गई है परंतु के रूप में।
एक, इस उपधारा में कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी। कौन कौन सी दशाएं हैं? किसी सार्वजनिक धार्मिक या पूर्व प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किया गया अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए अंतरण या बंधक के रूप में किए गए अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे। किसी सार्वजनिक धार्मिक या पूर्व प्रयोजन के लिए या औद्योगिक प्रयोजन के लिए ऊपर की धाराएं लागू, अभी तक मैंने जितना भी कहा वो लागू नहीं होगी। वहीं इसका दूसरा कहता है, किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए अंतरण या बंधक के रूप में किए गए अंतरण की दशा में, तथापि शर्त के अधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजन के लिए कोई भी बंधक किसी अग्रिम की वसूली के लिए विक्रय की धारा 147 के उल्लंघन में प्राधिकृत नहीं करेगा। ये हम आगे देखेंगे, इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए अब इसके बाद इसका एक और परंतु है, जो खंड का के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए लागू होता है। मतलब यदि औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई अंतरण होगा तो उसमें धारा 172 लागू होगी। जो धारा 172 है वो औद्योगिक प्रयोजन के लिए अंतरण के लिए अनुविभागीय अधिकारी या उपखंड अधिकारी को ही अधिकृत करता है। तो अगर औद्योगिक प्रयोजन के लिए इस तरीके का कोई अंतरण या ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसमें उपखंड अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और अगर हम धारा 172 में देखेंगे तो ऐसी अनुमति लेने के लिए 3 मास से 6 मास की अवधि दी गई है। परंतु कहता है, यह धारा कहती है कि यदि 165 के अधीन ऐसा अंतरण किया जा रहा है तो इसके लिए अधिकतम अवधि 45 से 90 दिन की होगी, उसके अधीन ही अनुमति ले जाना चाहिए। परंतु एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अंतरण की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा। मतलब ऐसा ट्रांसफर में निम्नलिखित प्रकार का ट्रांसफर शामिल नहीं होगा। वो कौन सा ट्रांसफर है जो धारा 165 के अधीन नहीं आता? तो सुन लीजिए, वो ट्रांसफर कौन कौन सा है। उत्तराधिकार द्वारा अंतरण, जो अंतरण हमको उत्तराधिकार या इनहेरिटेंस द्वारा मिलता है, ऐसा अंतरण धारा 165 के तहत नहीं होता है। वही है वैध वारिसानों को वसीयत के द्वारा अंतरण, वो भी इस तरह का अंतरण नहीं है। लोक हित में भूमि का अर्जन यदि सरकार द्वारा किया जा रहा है तो वो भी 165 धारा 165 में शामिल नहीं है। किसी धार्मिक या पूर्व प्रयोजन हेतु न्यास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रयोजन, शैक्षिक संस्थाओं को उनके लिए अंतरण, ऐसा तो हम पीछे भी देखे हैं, ये भी इसमें शामिल नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों, इकाइयों, निगमों इन कंपनियों को जो शासन के उपक्रम है, मतलब समझ जाइए सीधा, लोक कल्याण के लिए जिस प्रकार से भूमि का अर्जन किया जा रहा है, इस प्रकार के अर्जन में धारा 165 लागू नहीं होती है। साथ ही कलेक्टर की अनुज्ञा से ऐसे अन्य व्यक्ति या ऐसी सीमा तक अंतरण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उपबंध में विहित किया जाए, कलेक्टर के द्वारा अंतरण के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइंस की जाती हैं, उस गाइडलाइंस के तहत धारा 165 लागू नहीं होगी। या किसी न्यायालय के डिग्री या आदेश के निष्पादन में भी धारा 165 लागू नहीं होगी। ये इस अध्याय की खास बात है कि धारा 165 में जिस तरीके के ट्रांसफर शामिल किए गए हैं उसके अपवाद हैं ये। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि धारा 165 में जो राइट्स ऑफ ट्रांसफर है वो किस तरीके का है। मूलतः इसमें बंधक या मॉर्गेज टाइप का ट्रांसफर बताया गया है जो एक निजी व्यक्ति से दूसरे निजी व्यक्ति को हो रहा है। इसमें भी ट्रांसफर 2 प्रकार का है, एक कृषि प्रयोजन हेतु, एक कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु। दोनों के लिए गाइडलाइंस अलग है जो मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। अब इसमें एक अन्य प्रकार का भी ट्रांसफर है या मॉर्गेज है, जनजातियों हेतु। तो जनजातियों हेतु भी इसमें इसकी उपधारा 6 में विशेषता बताया गया है कि जनजातियों के लिए यदि किसी जनजाति की भूमि स्वामी अपना अधिकार या अपना हित किसी अन्य को ट्रांसफर करता है तो संबंधित व्यक्ति भी जनजाति से ही संबंधित होना चाहिए। जनजाति से भिन्न किसी जाति को अपना हित ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसा स्पष्टता इसमें लिखा गया है। परंतु कलेक्टर की अनुज्ञा से ऐसा किया जा सकता है, परंतु उसके लिए भी कलेक्टर को कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा कि क्या वह व्यक्ति जिसे भूमि अंतरित की जा रही है अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है या नहीं, वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि अंतरण के पश्चात उपयोग में लाई जाएगी या जिसके लिए उपयोग में लाया जाना संभव्य है, क्या अंतरण से अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति होती है या ऐसे हितों की पूर्ति होना संभव है, अतः क्या वह ऐसे हितों के पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डालता,
क्या दिया गया प्रतिफल पर्याप्त है, क्या ऐसा सम व्यवहार मिथ्या बनावटी या बेनामी है, और ऐसी अन्य बातें जो विहित की जाए। कलेक्टर इन बातों को विशेष ध्यान रखेगा, तभी वह भूमि के अंतरण को स्वीकार करेगा। ये जनजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करने हेतु ऐसा किया गया है, अन्यथा जनजातियों की भूमि अदर जाति के लोग लेकर उनका मिसयूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें इस तरह का संरक्षण दिया गया है। इस धारा 165 के अधीन जो अंतरण है उस पे कुछ धाराएं जो लागू नहीं होती, जैसे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में अंतर्दिष्ट किसी भारत के होते हुए भी कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिनियम के अधीन दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सशक्त हो, किसी भी ऐसे दस्तावेज को जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए तात्पर्य थे रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण नहीं करेगा। मतलब रजिस्ट्रीकरण करता या रजिस्ट्रीकरण करने वाला अधिकारी कोई भी ऐसी रजिस्ट्री स्वीकार नहीं करेगा जो धारा 165 के नियमों का उल्लंघन करती हो। इस तरह धारा 165 के अधीन स्पष्टता आपको राइट्स ऑफ ट्रांसफर को बताया गया है, इसे समझाया गया है, और इसका सबसेक्शन 11 जो विशेष है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस धारा में कि कोई भी बात किसी ऐसे अंतरण को जिस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधि मान्यता किया गया था अविधि मान्य नहीं बनाएगा, किसी ऐसे अंतरण को जिस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व अविधि मान्यता किया गया था विधि मान्य नहीं बनाएगा। एक स्पष्टीकरण भी सुन लीजिए, इस धारा के प्रयोजन के लिए 1 एकड़ सिंचित भूमि को 2 एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जाएगा, और इसी प्रकार इसका विपर्याय है, मतलब 1 एकड़ सिंचित भूमि 2 एकड़ असिंचित भूमि के समान नहीं मानी गई है इस धारा के अधीन। इस तरह मैंने आपको धारा 165 अंतरण के अधिकार को समझा दिया। यह बहुत बड़ा था, इसलिए हम इसे एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम अध्याय 12 के ही आगे के सेक्शंस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही यह हमारे वीडियो समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।